पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म। आप ये जान लें कि अपनी भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इस पित्र पत्रकारिता का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में येलो रंग, पीला रंग जो होता है वह शुभ रंग माना जाता है, शुभ मंगल कार्य का प्रतीक होता है, ब्रह्मचर्य का रंग माना जाता है। वहीं पत्रकारिता की दृष्टि में पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म मन ग्रंथ खबरें का परिचायक होता है, एक प्रतिष्ठा विहीन खबर का परिचायक होता है, एक भ्रम उत्पन्न करने वाली खबर का परिचायक होता है, दर्शकों में पाठकों में सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की खबरें को प्रस्तुत किया जाता है। मूलतः पत्रकारिता का उद्देश्य जन जागरण फैलाना है, तथ्य को प्रस्तुत करना होता है, निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करना होता है, किसी प्रकार की पक्षपात की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब पित पत्रकारिता की बात आती है तो वहां पर सनसनी जैसे खबर को प्रस्तुत करने को ही वरीयता दी जाती है। पत्रकारिता के तमाम दुर्गुण पित पत्रकारिता में समा जाते हैं। दुराचरण संबंधी बातें मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत करने की बात हो, सेक्स संबंधी सनसनी फैलाने की बात हो, झूठ फरेब जैसी बातें, किसी के पक्ष में बातें, इस तरह की बातें पित पत्रकारिता में की जाती है और कहीं न कहीं यह सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात होती है। और यही कारण है कि सच्चाई से विमुख होने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे गटर पत्रकारिता की संज्ञा दी है, जैसे कि गैरिसन विलार्ड ने इसे गटर पत्रकारिता कहा, तो वहीं चार्ल्स डाना ने इन्हें येलो प्रेस की संज्ञा दी थी। गटर पत्रकारिता मतलब ये समझ लें, गटर मतलब जो गंदा होता है, गंदी नाली, गंदा जीवन, वही हुआ गटर पत्रकारिता। और कहीं न कहीं यह हमारी अधपतन को दर्शाता है। वस्तुतः जब से पत्रकारिता अपने मिशन से हटकर व्यवसाय का स्वरूप, व्यापार का स्वरूप ले लिया, तब से पित पत्रकारिता को बढ़ावा मिलना स्टार्ट हो गया। जब यह अर्थोपार्जन का सहारा मिलने के साथ साथ यही इसका एक उद्देश्य हो गया, तो इसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। एक तरह से कहें तो चटपटे तरीके से अपने खबर को प्रस्तुत करना, उसे परोसना ही पित पत्रकारिता में आता है। और इसमें वे सच्चाई से परे होकर अपनी आत्मा को भी भूलकर अपने समाचार को तोड़कर मरोड़कर उत्तेजक तरीके से प्रस्तुत करना ही पित पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। दरअसल पित पत्रकारिता का इतिहास अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार यह नाम चर्चित हुआ, इसके पीछे की कहानी यह है कि सन 1893 की बात रही होगी, समाचार पत्र अमेरिका का द वर्ल्ड, उसमें रंगीन मुद्रण की व्यवस्था उस समय हुई थी। उसके पूर्व तक ब्लैक एंड व्हाइट की स्थिति थी और रंगीन पत्र की जब मुद्रण होने लगा, रंगीन पत्र रंगीन चित्र का, तो पाठकों का आकर्षण बढ़ा। वहीं कॉमिक ड्राइंग के छपने पर पत्र की बिक्री और अधिक बढ़ने लगी और द वर्ल्ड में जो प्रकाशित होता था कार्टून, उसका एक मुख्य पात्र था वह छोटा बच्चा था जो कि दांत नहीं था, गोल मटोल बच्चा था और ढीला ढाला वस्त्र पहने रहता था कार्टून के रूप में, तो और मुद्रक उसके वस्त्र को गोल पीले धब्बे से रंग कर मुद्रित करता था और वह किड, वह बच्चा येलो किड के रूप में चर्चित होने लगा। और यही येलो किड एक तरह से इतना चर्चा में हुआ, इतना लोकप्रिय होने लगा कि लोगों का संवेदना हो की बात करें, उत्तेजना की बात करें या सनसनीखेज की बात करें, तो एक तरह से इसका यह प्रतीक बनने लगा और यही कालांतर में येलो जर्नलिज्म का रूप ले लिया, जिसे कि कहीं न कहीं हम पत्रकारिता की दुनिया में निगेटिव स्वरूप में देखते हैं। आप
पुलित्जर का नाम सुने होंगे, जोसेफ पुलित्जर। और ये सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, बुराइयों का पर्दाफाश करने के लिए पत्रकारिता के जगत में जाने जाते हैं, और द वर्ल्ड के ये पत्रकार थे। और यहाँ पर जोसेफ पुलित्जर ने वैसी वर्ल्ड द वर्ल्ड में, जहाँ सिमे की कार्टून छपा करता था, ये लोकेट का एक बौद्धिक लेख, उच्च स्तरीय लेख के साथ साथ हिंसा संबंधी बातें भी छापते थे। हालांकि वे वहाँ पर तमाम प्रकार की विषमताओं को दूर करने की बातें को प्रमुखता देते थे। वहीं एक दूसरे उसके प्रतिद्वंदी के रूप में थे विलियम रैंडॉल्फ हर्स्ट। वे द वर्ल्ड समाचार पत्र से आगे बढ़ना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, अपने समाचार पत्र एग्जामिनर के लिए द वर्ल्ड में जो कुशल से पत्रकार थे उससे इसको अपनी ओर खींचा एग्जामिनर में, और एग्जामिनर में। और इस तरह वहां पर उन्होंने क्या किया कि सनसनी फैलाने वाले खबर को प्रमुख स्थान देने लगे, और वहां पर प्रेम की बात, अपराध की बात, वासना की बात, घृणा की बात, विकृति संबंधी बात, सनसनी संबंधी बात, इन सबों को हुए स्थान देने लगे। यहाँ तक कि उसे साथ साथ जाके साथ मनोहर पूर्ण ढंग से रंग बिरंग के चित्र के साथ आकर्षक सलीके से वहां पर उसे प्रस्तुत करने लगा, और एक तरह से वह दर्शकों के बीच बढ़ता चला गया। यौन अपराध, हिंसा, अपमान, दूषित सामग्री आदि की बात करें या उत्तेजनात्मक ढंग से उनकी प्रस्तुति के कारण पुलित्जर और हर्ष में दोनों में एक तरह का प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी, और जो अवगुण था वह, हालांकि बाद में पुलित्जर ने इसे पूर्णतः छोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया, तिलांजलि दे दिया, पुलित्जर ने तो उसे छोड़ दिया। उन्हें लगने लगा था कि पत्रकारिता की आत्मा कहीं न कहीं भटकती जा रही है, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी इस बात से वाकिफ नहीं हो रह सके, और उस पित पत्रकारिता को वे निरंतर बढ़ाते चले गए, संक्रामक रोग की तरह उन्हें और उनके साथ साथ अन्य लोगों को यह ग्रास करने लगा, संक्रमित करने लगा। और आज की तारीख में यह इतना अधिक संक्रमण फैला चुका है कि लोग पित्र पत्रकारिता को पत्रकारिता के लिए संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। आप देखते हैं कि भुखमरी की बातें, किसान की बातें, गरीब की बातें उतनी जगह नहीं ले पाती है, उसको उतना जगह नहीं दिया जाता है। वहीं सनसनी की बातें, हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें हो, हीरो हीरोइन की बातें हो, सनसनी भरी कोई बातें हो, रोमांस की बातें हो, तो वे पहले पन्ने पर उनको जगह दे दी जाती है। कर्मकांड, लफ्फा जिसे जी, सनसनी फैलाने वाली बातें को ज़्यादा जगह दिया जाता है, और कहीं न कहीं पत्रकारिता ने पत्रकारिता जगत पर एक काला धब्बा लगाया है, और आज की प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक दुनिया में इससे दूर हो पाना तो हालांकि संभव नहीं दिखता है। विशेष करके आज इतना कंपटीशन है कि यहां पर प्रोपगंडा जैसी बातें पत्रकारिता में स्थान पा लिया है, व्यापारिक गठजोड़ जैसी बातें होती है, और बाजार में चरित्रहनन जैसी बातें, हिंसा जैसी बातें, सेक्स जैसी बातें को इतना अधिक विकृत तरीके से परोसा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उससे रोमांचित होते हैं, उस ओर आकर्षित होते हैं, और पत्रकारिता जगत इससे अपना मुनाफा कमाना चाहता है। कभी कभी इतने इस तरह की तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है कि वे सामान्य तौर पर पारिवारिक सामाजिक संस्कृति में स्वीकार नहीं होते हैं, इसके बावजूद तमाम शालीनता, तमाम नैतिकता को ताक पर रखकर उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। वहीं कभी कभी पत्रकार पर दलाली वसूलने जैसी आरोप लगते हैं अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, तो वहां पर भी एक तरह से वे अपने मन मुताबिक खबर लिखते हैं, खबर चलाते हैं, लोगों के बीच अपना एक जनमत तैयार करते हैं, लेकिन
पत्रकारिता को नुकसान पहुंचता है। हालांकि यह बात भी सही है कि पीत पत्रकारिता का दौर है, लेकिन ऐसे भी स्थिति है कि पत्रकार जो सच्चे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, वे बहुत संकट से भी जीते हैं। उनको तमाम प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। कई 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 कभी तो उनसे सिर्फ अपराध की वारदात होती है, बल्कि उनकी जान भी चली जाती है। ऐसी भी बातें होती है। यहाँ पर सच्चे ईमानदार पत्रकार को मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। विशेष करके हम इस मायने में कह सकते हैं कि ज़्यादा खोटे सिक्के आ जाने के बाद जो ओरिजिनल शुद्ध सिक्का होता है उसे काफ़ी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार की ताकतें आज ज़्यादा भावी है, ज़्यादा प्रभावी है, और जो समाचार पत्र हम लोग का मिशन हुआ करता था, अब उस वह मिशनर की भावना नहीं रही है। अब व्यापार, पूंजीवाद, मुनाफा यहाँ पर देखा जाता है। बाजार का ताकत आज अखबार चला रही है, और यहाँ पर जाहिर है सत्ताधीश की बातें कैसे लिखा जाएगा। विचार, संताप, आक्रोश जैसी बातें शासक वर्ग के खिलाफ उच्च हद तक नहीं जा सकती है। आम लोगों को भ्रमित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, ऐसी भी बातें होती है। हालांकि हमने यह भी देखा है कि आपातकाल के दौरान जब पत्रकार पर, भारत के संदर्भ में देखें, पत्रकारिता पर अंकुश लगा दिया गया था, जैसे पंगु बना दिया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अंधी दुनिया में चली जा रही है। लोगों को जन जागृति उन्हें एक रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। इसीलिए लोकतंत्र, विशेष करके लोकतांत्रिक परिवेश में शुद्ध सफल सार्थक पत्रकारिता का होना तो अवश्य ही आवश्यक है, और इसे लोकतांत्रिक परिवेश में तो अति आवश्यक इसकी है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर आज पत्रकार यदि गलत कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी उसे माफ नहीं करेगी। जिस ईमानदारी, सच्चरित्रता की बदौलत आज के पत्रकार अपने आप को पत्रकार ताकि दुनिया से जोड़कर गौरवान्वित होते हैं, अगर आज की पीढ़ी पत्रकारिता में लगी रहेगी तो यह न केवल आने वाली पीढ़ी को बल्कि देश को भ्रमित करने वाला कार्य होगा। चरित्रवान पत्रकार को विशेष करके आज आगे आने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि पीत पत्रकारिता करने वाले को न केवल चुनौती का सामना करना पड़े, बल्कि उसे भी अपनी रास्ते को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित और आकर्षित और विवश भी करना चाहिए। पीत पत्रकारिता सभ्य समाज में कदापि स्वीकार नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक परिवेश के सर्वथा के खिलाफ ही काम करती है।